प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 12th के लिए हम लोग जो है ना हिंदी का बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट में सेम यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का आंसर बताते चलना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिएगा, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव भी आपको बनाना होगा। टोटल 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और यह जो एग्जाम होगा आपका, यह 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए आप यह देख सकते हो, परीक्षा से संबंधित सारा चीज यहां पर निर्देश दिया गया है। आप इसको पॉइंट वाइज पढ़ना चाहोगे तो इसे जरूर पढ़ लेना। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, खंड अ में जो ए में जो आपसे बोला गया ना, इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र कि नहीं 50 प्रश्नों का इसमें से क्या करना होगा, जवाब देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। तो पहला का ऑप्शन सी याद रखिएगा, और कांस्य है, ऑप्शन नंबर पहला का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दो नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो ना बजवटुक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही दो नंबर का करेक्ट होगा। तीन नंबर है, जिसका खंडन ना किया जा सके वह क्या कहलाता है। तो तीन का डी होगा, और खंडनीय है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए आप लोग, चार नंबर बोला गया, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि बड़ा भाई, वह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल चार का ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्रज, ऑप्शन नंबर आप लोग सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की। तो पाँच नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो पाँच का ए नंबर हो जाएगा, जो ना अपहरी हार, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, जो खाने योग्य हो वह क्या है। तो छः का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, खाद्य, ऑप्शन नंबर छः का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। सात नंबर है, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो सात का ऑप्शन ए हो जाएगा, आग, ऑप्शन नंबर सात का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। आठ नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो आयुष्मान का हो जाएगा आयुष, मति नहीं होगा, ये हो जाएगा चिरंजीव, ऑप्शन नंबर सात का आप लोग आठ का जो ना सी नंबर याद रखिएगा। नौ नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो नौ का ऑप्शन बी होगा, यानी कि परेशानी, नौ का आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। दस, डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो दस का ऑप्शन डी होगा, यानी कि भयानक, दस का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्यारह नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यात्रा शब्द क्या है। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही 11 का बी नंबर याद रखिएगा। 12 है, चमक शब्द क्या है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि स्त्रीलिंग, चमक शब्द भी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 13 है, संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, संधि के टोटल भेद जो होती है ना, ये आपका हो जाएगा कितना, बिल्कुल याद रखिएगा, तीन होती है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 14 बोला, पुराना शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा पौराणिक, ऑप्शन नंबर 14 का ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भीड़ शब्द का संज्ञा क्या है। तो 15 का ऑप्शन डी होगा, समूहवाचक संज्ञा, और राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 नंबर है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 16 का सी नंबर होगा, ग्रामीण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया, कारक के कितने भेद हैं। तो 17 का आप लोग डी नंबर याद रखिएगा, कारक के टोटल 8 भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। 18 है, या नया माल है, इस वाक में नया कौन सा शब्द है। तो 18 का सी नंबर जाएगा, विशेषण, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो दीक्षित कहेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग 19 का ए नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर, शिव का उपासक कहलाता क्या है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शैव, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो 21 का सी नंबर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
22 है, चंद्रधर शर्मा गुरेली की कहानी क्या है, तो 22 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि उसने कहा था डी नंबर, आप लोग याद रखिएगा। 23 है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो 23 का ए नंबर हो जाएगा जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर 23 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, निम्न में से जो है ना किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख हुआ है, तो गैंग्रीन जो आया है ये किस कहानी में आया है, याद रखना रोज कहानी में आया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का, 25 की बात करेंगे, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है, तो 25 का ए नंबर होगा मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है, ओ सारा निरा किस विधा के अंतर्गत है, तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है, तो आप लोग याद रख, तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो बिल्कुल 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 28 है, मैं यहाँ पर 28 आपसे, एक सेकेंड, 27 है ना, एक सेकंड, 27 का संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। 28 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो वो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 28 का करेक्ट होगा। 29 नंबर की बात कर ले हम लोग, तो जो ना बड़वे जो ना रामायण किनकी रचना है, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा तुलसीदास जी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 है, बीजक के रचयिता कौन है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा कबीरदास, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, रक्षक शब्द में क्या प्रत्यय है, तो याद रखिएगा बिल्कुल 31 का सी नंबर करेक्ट होगा, अक, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 है, परलोक शब्द में क्या उपसर्ग होगा, तो 32 का ए नंबर करेक्ट होगा पर, ऑप्शन नंबर आप लोग 32 का ए नंबर याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न बोला गया, अज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग होगा, तो 33 का सी नंबर होगा अ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 34 है, नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है, तो 34 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि ची, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर की अगर बात कर ले, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 35 का याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, यस जो ना यस प्लस द, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। 36 है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 36 का ऑप्शन ही हो जाएगा सम प्लस सार, ऑप्शन नंबर 36 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 37 की बात कर ले, तो बोला गया पवन शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पव प्लस अन, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर याद रखना है। 38 है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 38 का बी नंबर जाएगा उत् प्लस योग, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल ही 38 नंबर का राइट होगा। 39 नंबर की अगर हम लोग बात कर लें, तो 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, कुहासा शब्द क्या है, तो बिल्कुल 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घी शब्द क्या है, तो 40 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा पुल्लिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो पर्यायवाची जो ना पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंचायती राज में जो खो गए ना पंच परमेश्वर खो गए, तो आप लोग याद रखिए, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे पंच परमेश्वर में 41 का ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, 41 का सी नंबर आप लोग याद रखेंगे। बैल से अंतेन जो ना अंतोन चेखव की कहानी है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन हो जाएगा कलर्ग की मोट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 43 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, प्रश्न आपसे क्या बोला गया, एक लेख और एक पत्र, भार लेख में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुखदेव को, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 44 है, टेढ़ी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 45 की ओर, तो बोला गया ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो 45 का ऑप्शन सी होगा कारा अधीक्षक के पद पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 46 है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा शुक्र जो ना शुल्क, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो 47 नंबर बोला गया स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निद्रा, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
48 है, संध्या शब्द का विलोम क्या होगा? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा प्रातः, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 49 है, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? तो 49 का सी नंबर हो जाएगा स्वच्छ, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर की ओर। तो 50 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कि बताइएगा शेष शब्द का विलोम क्या होगा, तो 50 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि अवशेष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, लीड वेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन सी होगा, विश्व शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 की अगर बात करेंगे ना, तो ये आपसे बोला गया कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है? तो 53 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि आधुनिक त्रासदी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, बोला गया आपसे कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुल्लानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बोला गया 55 नंबर की, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए, यानी कि हरदेव सहाय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 56 की प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है? तो 56 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि उषा, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न की, तो 57 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कि बताइएगा कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, परमेश्वर जो ना शमशेर सिंह बहादुर को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन नंबर 58 है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो 58 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि वीर रस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 नंबर की अगर हम लोग बात कर ले, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बताइएगा जहाँ वह है वहाँ मेगा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की या पंक्ति है? तो 59 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 60 है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो 60 का बी नंबर हो जाएगा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर 60 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 61 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो बोला गया सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, याद रखिएगा ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 62 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो 62 का ऑप्शन ए होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, तो ये आपसे पूछा ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसो ताल है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि गहले और विशाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 64 है, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, या किस पाठ से पंक्ति ली गई है? तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि हार जीत से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की, तो आपसे बोला गया कि अशोक वाजपेयी का मूल स्थान क्या है, मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 66 है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इवान तमिचित्र चेखकोव, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 67 नंबर की बात करेंगे, तो बोला गया ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो 67 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बेईमान, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, तो 68 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो 68 का याद रखिए आप लोग, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि अनावरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 69 है कि ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा? ऊंच का हो जाएगा आपका नीच, ऑप्शन नंबर 69 का जो है ना आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, तो ये आपसे बोला गया कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो 70 का ऑप्शन डी होगा, कोमल, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 71 है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस का विशेषण अगर हम लोग बात कर लें, तो ये आपका हो जाएगा आलसी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 72 की अगर हम लोग बात कर लें, तो बोला गया कि जो ना अदब का शब्द का उपसर्ग क्या, अदब का शब्द में क्या उपसर्ग होगा? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
अध ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 73 की, तो ये आपसे बोला गया सौ परिवार शब्द में क्या उपसर्ग है, तो 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सौ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका 73 का राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, अंकुरित शब्द में क्या पड़ता है, तो अंकुरित शब्द में अगर हम लोग प्रत्यय की बात कर ले तो ये आपका इत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा जा रहा है कि महिमा शब्द में क्या प्रत्यय होगा, तो 75 का राइट आंसर सी होगा, ईमा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे 76 की, तो ये आपसे बोला गया आनंदमय शब्द में कौन समास है, तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। 77 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो बोला गया नवरत्न शब्द में कौन समास है, तो 77 का राइट आंसर सी होगा, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमौली शब्द में कौन समास है, तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 78 का ए नंबर हो जाएगा, बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे 79 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला गया आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो याद रखना जो ना कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 80 है मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो 80 का राइट आंसर सी होगा, बस में करना, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। बात करते हैं 81 नंबर प्रश्न की, तो भक्तमाल किसकी रचना है, तो 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नवादास, ऑप्शन नंबर 81 का ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 82 नंबर, हिंदी कहानी के विकास में मील जो ना मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा, उसने कहा था, आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। 83 है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा कमायनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 83 का करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, तो बोला 84 का, तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में की कवित्री कौन है, तो 84 का ऑप्शन सी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। 85 है मालती किस कहानी की पात्रा है, तो 85 का बी नंबर हो जाएगा, रोज की, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। 86 है ज्ञानेन्द्र पति की कविता कौन है, तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा गाँव का घर, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। बात करते हैं 87 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो 87 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्यदास को, ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। 88 है नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था क्या, तो 88 का सी नंबर हो जाएगा वृंदावन, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिए। 89 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे बोला गया मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सैयोपुल में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 91 है आस्टीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि गढ़ में छिपा शत्रु, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 आपसे पूछा गया हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 92 का राइट आंसर सी होगा, तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 93 है माथा जो ना थनकाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो 93 का ऑप्शन सी होगा, आशंका होना, और राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 94 है कि टूटी बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो याद रखिएगा 94 का ऑप्शन भी होगा, ठाक जमाना जमान जमना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर बोला उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो 95 का आप लोग याद रखेंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विपरीत कार्य होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 96 है रसोई शब्द में कौन समास होगा, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 97 नंबर बोला गया चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है, तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 98 नंबर की अगर हम लोग बात कर लें, तो बोला गया आपसे जना बनमानुष शब्द में कौन समास है, तो 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 99 नंबर है त्रिफला शब्द में कौन समास है, तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 99 का करेक्ट होगा। 100 नंबर की बात कर ले, तो धीरे धीरे शब्द में कौन समास है, तो 100 का ऑप्शन हो जाएगा व्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट क्लास को लेकर के। तब तक के लिए आप तमाम सब्जेक्ट को जॉइन एंड साथ में बाय बाय। आप लोग बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग मैसेज जरूर कर लेना इस नंबर पर 9935161710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास ट्वेल्थ साइंस आर्ट्स जो भी आपको आपका सब्जेक्ट होना आप लिख करके इस पर भेजना, हम आपको ग्रुप में भी एड कर देंगे। और आप नेक्स्ट क्लास करना जरूर, शाम में आपका 7:30 बजे होता है साइंस का क्लास और रात में 8:30 बजे आपका आर्ट्स का क्लास। तो आप लोग इस टाइम जरूर क्लास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।